अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हां तुहाडा मेज़बान डॉक्टर इजाज़ बेग ते तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम श्रीनी वंडी दी। अज मेरे नाल प्रोग्राम दे विच रोशी यूसफी साहिबा मौजूद ने। रोशी यूसफी साहिबा 15 साल उन्हां रान दे विच पढ़ाया, इस तो बाद 8 साल हो गए ने वह कैनेडा जिहड़े ने शिफ्ट हो गए ने। अज असी उन्हां नाल गलबात करांगे। अस्सलाम वालेकुम रोशी यूसफी साहिबा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया। आपने 15 साल जो है ईरान में पढ़ाया है जी, आप कैसे तकाबल करती है यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है उसे कैसा कंपेयर करती है आप जी? पहले तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि निज़ामिक तलीम के ऊपर जब भी बात हुई है मेरा दिल किया कि किसी ऐसे अच्छे चैनल से बात की जाए कि जो मेरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा लोग सुन सके। जी जी, तो एक्चुअली ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा मौज़ है जिसके ऊपर हम हमेशा हम अपनी नस्लों को उसी के ऊपर चलाते हैं। जी जी, अगर वो सिस्टम सही हो तो हमारी नस्ल जो है, हमारे बच्चे जो है, हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा बन सकता है। अब आपने ये कंपैरिजन जो पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बस कहना, यहाँ पे जो होता है ना कि आए दिन स्ट्राइक होती है, टीचर स्ट्राइक करते हैं, प्रोफेसर स्ट्राइक करते हैं, तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, वहां पे इस हवाले से मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। अच्छा, ईरान में तो वैसे कम है स्ट्राइक्स का, क्योंकि मैं इस जब कंपैरिजन करती हूँ तो कम है, क्योंकि कम देखिए स्ट्राइक तभी होती है जब कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती, जी जी तो तब स्ट्राइक पे उतर आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं ईरान के मैं टोरंटो या कनाडा की बात नहीं कर रही अभी जी, ईरान के निज़ाम इतने में वो मिल रही हैं। लेकिन अब अगर कुछ चीज़ें हैं तो ईरान के पोलिटिकल हालात इस तरह से हैं कि ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, प्रोटेस्ट करना जो है वो इतना आसान नहीं है इस वजह से। अब फिर जो आप जब हम देखते हैं वहाँ जो है तालीम जो है डिलीवर की जाती है, यहाँ की निस्बत कैसी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर रूट्स से तवज्जो देना शुरू करते हैं, यानी बेसिक से बेसिक वो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे खुद बहुत आगे जाते हैं। जब जी आपने जी बेसिक और रूट्स पक्की कर ली ना, तो फिर आपको पता फिर वो पौधा अच्छा ही निकलता है। ऑब्वियसली जो निज़ाम तलीम इस वक्त ईरान में है, पाकिस्तान अभी उसके बहुत पीछे है। एक बात, पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो दूसरी दुनिया के साथ ज़्यादा है, ईरान के कम है, बट उनका अपना निज़ाम तलीम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत उनके जो मामूली से जो है ना स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे भी PhD तक पहुँच रहे हैं। सही। अच्छा एक बात मुझे याद है कि वहां पे जो कल्चर है औरतों का वो बड़ा पर्दे वाला सिस्टम है, ठीक है? जी क्या आप नहीं समझते कि औरतों की आजादी सलब की जा रही है वहां पे? आप औरतों की आज़ादी को पर्दे में ही क्यों देखते हैं? क्यों ये आप जब आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझे कुछ बड़ा अजीब सा लगे, क्योंकि क्यों औरत पर्दे के पीछे क्यों आज़ाद नहीं है? क्यों हम जब पर्दे का नाम लेते हैं तो क्यों हमारी औरत को आप कंजेस्टेड सा समझते हैं? क्यों समझते हैं हमारी ऊपर औरत के ऊपर दबाव पड़ा हुआ है? औरत जो है वो हर औरत एक ऐसा अल्लाह ने दरख्त बनाया है, वो हर माहौल में पल भर सकती है। तो पर्दे के साथ तो उसका इस्लाम जो है उसको भी कहता है यानी पर्दे में हो या पर्दे, जी इससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क आपका नहीं जो पड़ता, है जो डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल समतें जो सीधी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। अच्छा मैडम, आपने 15 साल आप ईरान में रहीं, फिर आपने अचानक से जंप किया, फिर आप कनाडा चली गई, वहां पे ईरान पे कल्चर और है, कनाडा में हो रहे हैं, आपने कैसे आप एडजस्ट किया खुद को वहां पे? जी बिल्कुल, ये सवाल भी इसी तरह से रिलेटेड कर सकती हूँ मैं, कि क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो ऐसे ही चल रही है। जब मैं शादी करके ईरान में गई, ईरान से आगे मैं फिर, तो मैं एक आप कह सकते हैं एक महाजर परिंदा कह सकते हैं मुझे, मैं ऐसे ही ट्रैवल करती हूँ और मुझे अडॉप्ट करना बड़ा अच्छी तरह से आता है। लेकिन कनाडा में कुछ माहौल ही इस तरह का था कि जी वो जी बहुत मेरी रूट्स के बहुत नज़दीक सा था, अच्छा जी, क्योंकि बहुत सी जेनी चीज़ें तौर पे आप जी जहनी तौर पर मैं ज़्यादा उधर अपने आप को एडजस्ट कर पाई, ईजी एडजस्ट कर पाई, क्योंकि पाकिस्तानी माहौल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जो ईरान में नहीं है। ईरान में आप उस तरह से नहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी खुल के सामने आ सकती जिस तरह से उधर आ सकती है। तो ये चीज़ मुझे फौरी जब मैं कनाडा पहुंची इस चीज़ का मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। आप इट्स मीन के वहां पे औरतों को फैसिलिटीज ज्यादा हैं, उनका जो हकूक ज्यादा दिए गए हैं कहाँ पे कनाडा में? आप ये कह सकते हैं, आप ओवरऑल आज़ादी भी देख सकते हैं, मर्दों और औरतों के लिए सबके बराबर है। बिल्कुल आपकी बात सही है, औरतों को आज़ादी ज़्यादा है,
लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आपकी मेंटालिटी की जी जी। वहाँ पे आज़ादी से ज्यादा हर बंदा आज़ाद है, हर बंदा जो अपनी सोच रखता है, इसलिए हर कोई ये आज़ादी से मरा यानी उनके राइट्स उनको दिए जा रहे हैं जी, जो भी है वहाँ पे जी बिल्कुल। अच्छा वहाँ पे जाके आपने एक जो है रेफ्यूजी के नाम से यूनिट बनाई, आप उसकी लीडर भी हैं, ये हमें कुछ ये तो बताएं कि रेफ्यूजी है क्या, क्या काम करती है वहाँ जी। बेसिक जो मेरी जॉब है, जब मैं तकरीबन 2016 में मैंने ये जॉब शुरू की एयरपोर्ट के अंदर, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के अंदर एक कंपनी थी, कंपनी है MNS के नाम से, मैं उसी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रही थी, जो बेसिक उसके रिफ्यूजीज की हेल्प करते हैं जब वो टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो हम बड़ा रिलेट हमारा है उस इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ, हम क्लोजली काम करते हैं, रिफ्यूजीज की हेल्प करते हैं, उनको उनके पास लेके जाते हैं और इस तरह। और उन्हीं उसी कंपनी के थ्रू एम्प्लॉयज में मैं उनकी यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और वो मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनके राइट्स के लिए बोलूंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना प्रेसिडेंट बनाया। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बहुत ज्यादा कर सकती हूँ, लोगों के लिए गाइड कर सकती हूँ, रिफ्यूजीज की हेल्प कर सकती हूँ, और कनाडा के लिए मैं बेनिफिशियल साबित हो सकती हूँ। जबरदस्त। अच्छा वहाँ पे कनाडा पे मैंने देखा है और भी जो मजहब के लोग जैसे सिख हैं बहुत ज्यादा है, उनके कारोबार है बहुत ज्यादा है, बस ये तो मुसलमान हम जो हैं दुनिया में अपना अच्छा असर कायम करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले इंसानियत आती है, इंसानियत के बाद फिर हमारा मजहब ऑब्वियसली सबसे प्रायोरिटी पे है, लेकिन इंसानियत जब हम कहते हैं तो फिर सिख हो जाए, मुस्लिम हो जाए, हमें सबको अपने आप को साबित करके ही अपना नाम बना। अगर हम बोर्न मुस्लिम हैं लेकिन हमारे एटीट्यूड, हमारे तरीके मुसलमान नहीं है, तो हम फिर अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ मुझे प्रायोरिटी दो, ये नहीं हो सकता। आपको अपना साबित करना पड़ता है, अगर आप प्रो मुस्लिम हो, सही मुस्लिम हो, तो अपने आप को साबित करके दिखाओ, अपनी ईमानदारी से, अपने रवैये से, अपने अखलाक से, ये चीज़ें जो है ना आपको साबित करनी पड़ेगी, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, वो आप एज ए मुस्लिम करें, एज ए सिख करें, या एज ए जो भी नेशनलिटी है। अच्छा मैंने देखा है बाहर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर जो है जो PTI को सपोर्ट करते हैं, वो आपके वोट के लिए कहते हैं जी, आप किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं कहूँगी कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ जी जी, तो मैं ये इस तरह से मैंने ज़्यादा सच बोला है, क्योंकि मैं समझती हूँ PTI पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे लाना चाह रहा है। एज ए बोर्न पाकिस्तानी मैंने बहुत तकलीफें सही हैं जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ एज ए पाकिस्तानी, वाकई में मुझे बहुत दुख होता है जब हम पाकिस्तानियों की कंडीशन देखते हैं जी जी, कि कैसे, यानी कि कुछ लोग आज से 30-40 साल पहले जब आप, बल्कि 50 साल पहले शहनशाह के दौर में पाकिस्तानियों की पोजिशन आप देख लें, अब मैं मोस्टली यानी जो वर्कर पोजीशन है वो देखें, तो फिर बंदा जो है ना वो नहीं, इजी नहीं फील करता। आप पढ़े लिखे हो और आप अपने आपको उसी कैटेगरी के साथ देखा जा रहा है, ये चीज़ें तंग करती हैं बंदे को। लेकिन अब PTI ऐसी जमात आई है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पार्टी आई है, जिसके थ्रू मुझे ऐसे फील होता है कि जब कभी मैं किसी को बताऊंगी कि मैं बोर्न पाकिस्तानी हूँ और इस तरह से, तो मुझे अच्छा लगेगा, जो चीज़ मैं बताना नहीं थी चाहती किसी को, क्योंकि मुझे पता है लोगों की फीलिंग्स क्या है, मुझे पता है अरबी ममालिक की या और हमारे जो दूसरे ममालिक हैं वो कंट्रीज वो कैसे देखते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है अगर ये जमात जो है वो, इसको थोड़ा टाइम मिले, मैं ये नहीं कहती कि वो मौजजा कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये कोई मिराकल हो नहीं सकता जी जी, इसके लिए रूट्स बननी है, पाकिस्तान की रूट्स बिल्कुल नहीं है। जिस पार्टी ने भी, जो भी पार्टी आई है, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को बनाने का अगर कहा भी है तो उन्होंने ऊपर से बस क्या कहते हैं टूटी दीवार के ऊपर बस दराड़े भी अगर पड़ने की कोशिश की है तो वो कामयाब नहीं हुए, क्यों, अगर हुए भी हैं तो वो वक्त ने दोबारा दराड़े खाली कर दी, फिर पाकिस्तान उसी तरह लड़खड़ा रहा है। अच्छा आप चाहती हैं कि आपको वोट का हक दिया जाए? ऑब्वियसली बिल्कुल, आप रहना वहीं चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें रहना वहीं चाहती है क्या मतलब, जब हमारे बड़े ने देखा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सकता, वो निकले, उन्होंने मूव किया आउटसाइड कंट्रीज में, उन्होंने देखा कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, फिर वापस आए, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हो रही, कुछ काम नहीं हो रहे। और ये जो आप कहते हैं कि हम लोग इमरान खान के क्यों ऐसे फैन है, तो वो वजह यही है जी जी। वो इमरान खान, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, वो बच्चा है जो सारी उम्र बाहर गया है, उसने उधर खेला है, अपने माँ बाप के लिए अपना नाम कमाया, माँ बाप उसके कौन है, उसके पाकिस्तान उसका माँ बाप है, उसने हमेशा उनके लिए इज्जत एहतराम खरीदने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। कि लोग कुछ कहते हैं वो पता नहीं क्या है, वो इसराइली हो गया, वो ये कर रहा है, उसने ये किया, उसने, आप उसको क्यों इतने इल्ज़ाम लगा अपने आप को गंदा कर रहे हैं, उसको तो नहीं, क्योंकि देखिए
चांद के ऊपर किसी ने थोका तो कहते हैं उल्टा ही पड़ा। तो ये आपकी मोहब्बत है उनके लिए। जी आप मोहब्बत समझ लें, लेकिन मेरी मोहब्बत जो है वो कभी किसी बंदे और पार्टी के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। मैं बार बार कहूंगी किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी बंदे के लिए। मेरी सिर्फ मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है, और जो पाकिस्तान को बनाना चाहे मेरा वोट और मेरी जनाजात उसके लिए, उस पार्टी के लिए और उस मिशन के लिए जो है ना वो काम करेगी और उसको अच्छा समझेगी। और इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा है, सिर्फ इसलिए। वरना इमरान खान क्यों, इमरान खान क्योंकि वो पाकिस्तान है, असल में वो पाकिस्तान का सोचता है। उसने जब से उसने पांव बाहर रखा बाहर के मुल्क में, उसने दिल में सोचा कि मैंने पाकिस्तान को जिता के वापस जाना है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इधर रहता हूँ, अगर कल को मेरी पार्टी हार गई, मैं हार गया तो मैं कितने पैसे बाहर भेजूँ, वहां से मैं उधर जाके सेटल हो जाऊंगा अगर मुझे बाहर निकाला गया। उसे ये नहीं सोचा। अच्छा आप समझती हैं कि जो बंदा बाहर नहीं गया, जिसने अजीतें बर्दाश्त नहीं की, वो यहाँ का लीडर नहीं होना चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कहती कि वो लीडर नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ उसको तरीका नहीं आता। अच्छा तो आप समझती हैं कि इसके लिए जैसे बंदे कहते हैं जेल जाना जरूरी है सीखने के लिए? बिल्कुल। देखिए जब आपने अगर एक आप देखिए ये कपड़े इसकी मिसाल दूंगी, अगर आपने इसको बनाया ना और इसके ऊपर यानी ये एक डिज़ाइन दिया, तो आपने कहीं से और भी डिज़ाइन देखा है, आपको दो तीन डिज़ाइन है उसमें ये डिज़ाइन पसंद है, आप समझते हैं कि ये डिज़ाइन पढ़े लिखों का डिज़ाइन है और इससे अच्छा होता है, अगर इसमें ये लगा दिया गया हैंडल लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि आप इजी इसको पकड़ सकते हो। ऐसी चीज़ें इमरान खान देख के आया। अब वो पाकिस्तान में नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो कवानीन थे ऐसे थे, इस्लाम में भी ऐसे कवानीन थे। जब हम स्वीडन की बात करते हैं, डेनमार्क की बात करते हैं, वहाँ पर स्वीडन में जो कानून पढ़ाया जाता है वो हज़रत उमर के ला से जो है वहाँ पर शामिल है कि बच्चों का जो पहली दफ़ा तारीख में दूध लगाया गया था, पैसे दिए गए थे दूध के लिए, वो हज़रत उमर ने बहुत नजदीक है कि जब इंसान फकीर होता है, जब इंसान गरीब होता है तो वो कुफर की हालत में बदल सकता है। आपको फ़ख्र या गुरबत उर्दू में वो जो है गुरबत आपको काफ़र बना सकती है, क्योंकि जब इंसान के पास खाने को कुछ नहीं होता तो फिर वो उसको खुदा में भी इतना एतमाद नहीं रहता। तो हमें पहले हम बच्चों को ये देना चाहिए बताए बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमारे पास रोटी तो हो जो हम अपने बच्चों को दे सकें। हमें बेस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की बेस नहीं है। पाकिस्तान ऊपर से बना हुआ है, ऊपर से एक बिल्डिंग है, नीचे कुछ भी नहीं है। खोखली दीवारें बनने में इमरान खान को टाइम लगेगा। जी बिल्कुल मुजाफर भाई आपने। अच्छा जरा थोड़ा सा हटते हैं, वहाँ पे जो कल्चर है, हमारा कल्चर आप समझती हैं लहदा लहदा कल्चर है। यहाँ पे हमारे शादी ब्याह होते हैं, अब तो पहले लाखों में होते थे, अब करोड़ों में वो चले गए, फजूल सी रसूमात हैं जो वहाँ पे भी ऐसा है। क्या आप समझते हैं यहाँ पे जो रसूमात हैं ये नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? मैं इसका जवाब बस बड़ा सिंपली आपको दूंगी। मैं कहती हूँ जब किसी के पास पैसे होते हैं वो खर्च भी करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अक्लमंदी से खर्च करते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये किसने बनाया हुआ है? हम लोगों ने बनाया हुआ है। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास पैसा है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसका दिल करता है, या फिर वो जुल्म कर कहता है अपनी बेटी का ऐसा ही मुझे खाना दो तो मैं तब ऐसी बरात आएगी और ये होगा, और ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, अगर जब आपकी सोच मिल जाती है ना, जब आपने सोचना है कि ये पैसा जो है वो किसी और जगह पे लग सकता है, यानी कि अच्छे काम पे लग सकता है, अच्छे काम पे लग सकता है, नहीं आप किसी पे जगह पे ना लगाओ, आप अपने लिए रख लो कि मेरी शादी के बाद मुझे बहुत ज्यादा चीजें करनी होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी भाई, बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर फर्ज करो बाज़ लोगों के एक साल बाद ही कुछ बच्चे वगैरह भी होना शुरू हो जाते हैं तो वो पैसा चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप लव मैरिज पे यकीन रखती हैं या अरेंज मैरिज? अच्छा ये गुड क्वेश्चन, लेकिन मुझे अब ये सोचना है कि मैं आपको ये ना डिपेंड करता है, बस का लव मैरिज सही है। देखिए आजकल के दौर में जैसा दौर आजकल चल रहा है, हम खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो ले आओ, ठीक है। हम तभी अच्छे पेरेंट्स हैं अगर हमारे बच्चे को कोई चीज़ पसंद है तो हम उसके साथ मिल के चलें, उसका काम और आसान करें। हम उसको लव मैरिज और इस तरह का नाम दे के, ये नाम बुरा नहीं है वैसे, हमने इसको गलत मानी दी हुई जी, क्योंकि हम उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते ना। यानी आपके कहने का मकसद है कि बच्चों से पूछ लेना चाहिए जी, क्या काश बिल्कुल, अगर उनकी कजन के साथ उनकी कोई वो चाहते हैं तो वो लव मैरिज नहीं है, वो ठीक है। अगर वो अपनी फ्रेंड या अपनी क्लासमेट के साथ शादी करना चाहते हैं तो लव ही कह ले। अच्छा ये चीजें जो है हमारा इस्लाम भी हमें बताता है
कि इस्लाम भी हमें कहता है लड़की और लड़के को सामने बैठा के आप पूछ सकते हैं। तो हम इधर नहीं देखते, हम जो है जो एडवांस सोचते हैं कि लव और चीज है, इस्लाम और चीज है। इस्लाम भी तो ये कहता है कि पूछे उनकी राय, पूछे सामने बैठा के। बिल्कुल, देखें हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना चाहिए यहाँ पे एक बात जो है ना वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, जब लव मैरिज की बात शुरू हुई कि देखिए हम 1947 में 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ ना, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम हिंदू मजहब डोमिनेंट था हमारे ऊपर, हम उसी के जेर सहारे और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है, इसीलिए हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहे। सही, क्योंकि हमने हिंदू हिंदुओं की जो रस्में थी ना वो हम उसी को अभी तक वही काम करते हैं। पता नहीं मुख्तलिफ आपने देखे मेहंदियों में जाएं, शादियों में जाएं, पता नहीं वो चावल गिराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, कोई भी तो इस्लामी नहीं ला रहा। सही, आप शादी में इस्लामी जो रस्में आप उसको एक्सप्लोर करो, देखो हदीसों में देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अपनी बेटियों की शादियों में क्या किया, हज़रत फातिमा की शादी पे क्या हुआ, क्या था, वो चीज़ें लाओ। हम जो भी लाते हैं हिंदी फिल्मों में ये हुआ, गाना बजाया गया, उसने सेहरा बांधा, उसने ये किया, सब हो गया, वो काम हमारे हमें जेब नहीं देते एज ए मुस्लिम। हमें फॉलो करना है अपने इस्लाम को तमाम शादियों में। अच्छा, यहाँ पे जो हमने जैसे आपने कहा कि हमने जो है हिंदुओं के तसल्ले से आज़ादी हासिल की थी, वहाँ पे हमें अछूत समझा जाता था, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अब यहाँ पे हम जो है नाई का काम कर रहा है तो उसे बुरा समझ रहे हैं, अगर कोई मूछी जूते बना रहा है तो उसे बुरा समझ रहे हैं। यहाँ पे जात पात का ये बड़ा सिलसिला है। आप कैनेडा में वहाँ पे आप कोई ऐसी बातें देखने को मिलती? मैं आपको एक छोटी सी पहले ना, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैं कनाडा से पहले अगर मैं ईरान की तरफ से आपको जवाब दे दूं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि कनाडा में जब मैं पहली दफ़ा गई ना तो मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ा रही थी तेहरान यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जो एक स्टूडेंट थी वो शी वॉज़ वेल ब्रिलियंट एंड गुड, तो उसका क्या, उसका फैमिली नेम था, हम उर्दू में उसको कह सकते हैं कफाशी, सॉरी ये जो जूते गांटने वाले मोची होते हैं ये थी जी जी, और उस लड़की की माशाल्लाह से इतनी इतनी आप उसको कह सकते हैं कि इतनी उसकी वो थी, प्रेजेंस इस तरह से थी कि मैं समझी वो कि अगर पाकिस्तान में होती तो हम उसको कहते ये कोई आला जात की लड़की है, जी प्रिंसेस है, कोई आला जात की है जी जी। उसकी काबलर जो थे ना वो थी उसका फैमिली नेम, देखिए फैमिली नेम ये था। असल ईरान में ये चीज़ होती ही नहीं कि ये चीज़, अच्छा वहाँ पे भी नहीं है? नहीं है, कई जगह अच्छा पे नहीं है। हम जब तक इस जात पात से आज़ाद नहीं होते, इस या फिर इस जात को फ़ख्र देना शुरू कर दो। देखिए इंडिया में अभी पीछे उन्होंने एक ड्रामा लगाया था, मैं पाकिस्तान में आई हुई थी, उस ड्रामे का नाम मैंने देखा, उसका नाम है बेबो, जी जी बेबो था कोई ड्रामे का नाम, तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा जब इधर लोग प्यार से एक बच्ची का नाम बेबी है ना तो उसको बेबो बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको बुरा लगता है। अब ये चीज़ तोड़ने के लिए, ये जहनीत बदलने के लिए, मैंटेलिटी सेट बदलने के लिए उन्होंने एक ड्रामा बनाया है, और वो बड़ी अच्छी लड़की उन्होंने दिखाई है। जी जी, वो अच्छी लड़की दिखाने का क्या मतलब होता है, आपकी मैंटेलिटी वो चेंज कर रहे हैं कि अगर कोई आपको उल्टा नाम आपका इस तरह सा भी है तो दैट्स फाइन, ये बहुत अच्छा है, इसको चलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि हमारी ज़ात पात ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम अपनी इन चीज़ों से नहीं निकले, जेन अपना आज़ाद नहीं करें, और ये चीज़ें होनी है। इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें जो हमारी एलीट क्लास है उसकी हेल्प चाहिए, उनको चाहिए कि इन छोटे नामों से ना बुलाएं, ये रिश्तेदारियाँ बननी चाहिए, ठीक है। हम कोई हिंदू थोड़ी हैं जो कहें कि भाई ये अछूत है, हमने शादी नहीं करनी, या ये मोची है, ये पता नहीं कुमार है, हमने इसमें शादी नहीं करी। हम वो नहीं है, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। हमें अपनी बच्चियों के लिए अगर पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का मिल रहा है, वो अब वो कुमार किसी है, भी जात से हो, जी धोबी है, क्या है, ये नहीं है। आपको देखा, आप उसको एजुकेशन देखो, कल को उस बच्चे का फ्यूचर देखो, उसको कुमार की वजह से ये नहीं है कि आप उसको रिश्ता ना दो लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जॉब देनी है, तो फिर हाँ, आप जी बिल्कुल सही है, या ऐसा है, या ऐसा है कि गवर्नमेंट भी उसको जॉब नहीं देगी, ऐसा नहीं है, देखे ना। तो फिर जब गवर्नमेंट लेवल पे काम हो गया तो अब हमारे, मैं छोटी जमात को नहीं कहूंगी, बार बार कहूंगी एलीट क्लास को, हमें ये मेंटेलिटी भी बदलनी होगी कि ये फलाने ऊपर से शुरू होगा, जी बिल्कुल, क्योंकि ये छोटे छोटे तब्दीली यानी ऊपर से आएगी, ये वाली तब्दीली ऊपर से आएगी, अच्छा ये क्योंकि ये बेचारे निचला तबका फिस रहा है, ये वो तब्दीली नहीं आ सकते, इसके लिए ऊंची क्लास वालों को नीचे आना पड़ेगा, और कुछ तब्दीलियां जो है वो नीची क्लास से शुरू होती हैं, कुछ उन्होंने शुरू करने और कुछ मिलके होती हैं। अच्छा, अगर मैं जो आप समझती हैं कि जो पाकिस्तान की खवातीन हैं इन्हें इनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है, यहाँ पे आए रोज स्ट्राइक भी होती हैं, तो आप बसियत खातून यहाँ की जो पाकिस्तानी औरतें उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा महरूम रखा जा रहा है पाकिस्तानी औरतों को, बिल्कुल। देखे
जब मेरी शादी हुई मैं ईरान में गई तो मैंने देखा वहां पे औरतें रोटियां बिल्कुल नहीं बनाती, ठीक है, ये तो अजीब सी बात बता दिया। और पाकिस्तानी मर्दों को मैं कह सकती हूँ, मेरे फादर को आदत है हमें गरम गरम रोटी दो। अब गरम गरम रोटी में से पता नहीं, उस गरम गरम रोटी को बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, आटा गूंदना है, फिर उसको रोटियां बनानी है, गर्मी गर्मी में अगर गैस नहीं है तो लकड़ियों के ऊपर बना के दौड़िए। अगर इधर 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 हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, देखिए कहते हैं नवाज शरीफ को फॉलो करे जो बिल्कुल है, बिल्कुल कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया, ये नवाज ये पार्टी का काम नहीं है, ये जो भी पार्टी में आए ये उसको ये करना है, उसे कवानीन ऐसे बनाने क्योंकि ये पाकिस्तान का घर में रोटी ना पके, बिल्कुल नहीं पकनी चाहिए। आपको भी मैं कहती हूँ बिल्कुल ये राइट नहीं है कि आप अपनी बीवी से ये को आप जाके तनूर से रोटियां लेके, जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये करेंगे, क्यों आप लोग कहते हो तनूर की रोटी जो है वो उसमें रेत है, उसमें ये उसका आटा बदलो, उसको जाके तनूर वाले से बात करो, अपनी बीवी से ये मत कहेंगे रोटियों पर उसको ना लगाएं, ताकि वो क्या कर सके, उसको आजादी दे ताकि वो आपके बच्चे की तरबियत कर सके। अच्छा सही है ना, ताकि वो कुछ आपके लिए हेल्प कर सके, अब तो ऑनलाइन दौर है, ताकि वो कोई ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो बिजनेस कर सके, ताकि वो हमारी सारी लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ी लिखी हैं, उनमें बहुत शूर है। हाँ सही, शादी करके हम बांध लेते हैं रोटी करो, ये बच्चा जो है ना वो बड़ा करना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और देखिए हर बच्चा जो है ना वो एक औरत बड़ा करती है। सही, अगर हमने उसको रोटियों में लगा दिया हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, यानी उसकी तरबियत नहीं हो सकी, उसको टाइम दे, औरत को टाइम दे कि वो अपने बच्चे को टाइम दे, यानी आपके बच्चे को टाइम दे, ठीक है, और औरत का टाइम जो है ना वो आधे से हंडिया का पकाने में कितना आधा घंटा घंटा लग जाएगा आप कह सकते हैं, चलिए 2 घंटे लगा लें, लेकिन साथ में रोटी का तो आप कम कर सकते हैं ना, उसका टाइम उसको बीच में से निकाल दें, बड़ा ईजी हो जाए, गर्म गर्म रोटियां ले आए, अगर नहीं तो ठंडी वाली खा लें, क्या हर्ज है, हम लोग ईरान में रोटी फ्रीज करते हैं। सही, एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख लेते हैं, नहीं फ्रीज कर लेते हैं जी, और जब खाने के टाइम पे 10 मिनट पहले वो फ्रीजर से निकाल लाते हैं, टेबल के ऊपर रख देते हैं, वो पिघल सी जाती हैं और हम लोग खाते हैं, और इसमें किसी को कोई इतना ये मेंटेलिटी है मुझे गरम गरम रोटी चाहिए, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं वो हो जाएगा। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उस अभी नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो बड़े एलीट क्लास से हैं और उनके हस्बैंड जो है उनको अभी वो आ रहे हैं और वो बेचारी बाजार में और बच्चों की स्कूल और कॉलेज की चीजें ले रही है, लेकिन उसको भागना है क्योंकि गर्म रोटी चाहिए, सालन तो गर्म बन गया हुआ है, पका के वो आई है, लेकिन रोटी के लिए उसको भागना है क्योंकि मियाँ को रोटी गर्म चाहिए। या तो खुद पका लो, जब ये लोग खुद पकाना सीखोगे आप लोग मर्द लोग जो है वो खुद पकाना सीखेंगे, खुद ब खुद वो तनूरों को ज्यादा करेंगे, और आटा तो औरत को घर में मिलना ही नहीं चाहिए, आटा जाना चाहिए सीधा किसान से लेके सीधा होटल वालों के पास, तनूर वालों के पास, औरत का मामला नहीं है। ये कहने का मतलब है कि राइट से जो 50-50 है, औरत में भी उतनी होनी चाहिए, मर्द के भी उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर मर्द कमाते हैं ना तो औरत जो है वो बच्चा जो है वो आपका फ्यूचर के लिए बना रही है, वो बच्चा कल को आपका मिनिस्टर बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर तो टीचर रह गए, मैं कह रही हूँ कि वो मिनिस्टर जब मिनिस्टर में यहाँ पे ज्यादा फायदा होता है। अब नहीं फायदे की बात नहीं कर रही, मिनिस्टर लीड करता है, ऐसे ही आप कह रही है, मजाक किया मैंने जी, यहाँ पे यही फायदेमंद काम समझा जाता है हमारे पाकिस्तान में यहाँ। चलिए आप उस तरह से ले लें, लेकिन मैं मिनिस्टर की जब बात करती हूँ मेरा मतलब यह है कि वो लीड कर सकता है, एक देखिए लीड बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनिस्टर जो है वो उसके ऑडियंस बहुत ज्यादा होते हैं, एक डॉक्टर से भी ज्यादा, एक इंजीनियर से भी ज्यादा, तो जब एक बंदे के ऑडियंस बहुत ज्यादा हो गए ना, इसका मतलब उसमें लीडरशिप है, वो लीड है, लीड कर रहा है, वो लीडर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।